पहले रविदास जी के बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था सर। अभी भी जो है हम उस चैलेंज से उभर नहीं पाए हैं। होता क्या है एक्टिंग में कि आप जब एक्ट करते हैं तो सामने वाले की बात पर रिएक्ट करते हैं, आपको डायलॉग रजिस्टर करना है, एंगर रजिस्टर करना है, तभी वो बात ऑडियंस तक पहुँच पाती है। अब यहाँ ये ऐसे सहज और सरल कैरेक्टर को जब आप निभाते हैं तो आप वो रिएक्शन वैसे नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल कैरेक्टर्स में करते हैं, मगर फिर भी उसको जीना है और उस इमोशन को ठीक से पोर्ट्रे करना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य था कि आप नॉर्मल पैरामीटर्स में एक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन उस मैसेज को बड़े स्ट्रांगली ऑडियंस तक पहुँचा रहे हैं। तो दिस वॉज समथिंग दैट आई ऑल्सो इन्जॉयड, इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर टू। ऐसी कोई चीज़ है जो रविदास जी के जीवन से आप अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए? हर चीज़ सर, हर चीज़। जो व्यक्ति बड़ा सरल होता है, बहुत सहज होता है, कई बार क्या होता है कि लोग उसको उस तरह से नहीं आंकते जिसका वो हकदार होता है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि बड़े बड़े एक्टर्स पब्लिसिटी और बहुत चीज़ों के दम पे आगे निकल जाते हैं, कई सारे लोग जो ये कार्य नहीं कर पाते वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रविदास जी इतने सहज और सरल थे, उनका मैसेज भी इतना सरल था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो, और इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हृदय की पवित्रता मेंटेन रखना, इंसान को इंसान के रूप में देखना, कोई भेदभाव पर यकीन नहीं करना, और संवैधानिक और कानूनी तरीके से हम जिस चीज़ों को निपटाना चाहते हैं उसको बड़ी आसानी से आध्यात्मिकता के ज़रिए आप निपटा सकते हैं अगर आपको उन रूहानी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। तो यही रविदास जी का संदेश है, यही रविदास जी ने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया 650 साल पहले, और इसी संदेश को हम आगे ले जाने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। संदीप जी, इंडिया का जो लिटरेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, you know? जी, लोगों को बहुत कम इसके बारे में मालूम है, और खासकर फिल्म इंडस्ट्री अगर बात करें जी, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट फिल्म मेकर जो होते हैं एक्टर्स, वो दो बार सोचते हैं जी, टू बी ऑनेस्ट, जी, किरदार अडैप्ट करने जी, किस तरह से ये चीज़ें आप किस तरह से इसके साथ जुड़े? सर, मैं मेरी सबसे पहले ये कहना है कि हिंदुस्तान मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता तक सीमित नहीं है। आप मुंबई से थोड़ा बाहर निकले आप देखेंगे लोग धोती कुर्ता आज भी पहनते हैं, गांधी टोपी लगाते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और उनके इश्यूज़ बहुत मुख्तलिफ हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से, मगर ये जो बड़ा तबका है ये हमारी फिल्मों से बिल्कुल गायब होता जा रहा है। मुझे करण जौहर साहब की फिल्म से कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह के किरदार उस फिल्म में दिखाए जा रहे हैं लगातार और वो बड़े प्रमोट होकर आ रहे हैं, वैसी हिंदुस्तानी ऐसा है नहीं। मदर इंडिया जैसी भी फिल्में पहली बनती थी, और आज भी जब धोती कुर्ता पहन के लोग आते हैं, तानाजी में आपने देखा लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का वो बड़ा तबका, हिंदुस्तान का वो हिस्सा हमारे फिल्मों में दिखाया जाना चाहिए, हमारे जो साहित्य है उसका ठीक से हमारे फिल्म में जो है प्रदर्शन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए फिल्म, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। फिल्म का पहला जो है काम है वो मनोरंजन करना है, पर इसके साथ ही लोगों को अच्छा मैसेज जाए, दमदार भारतीयता का परिचय मिले, और लोगों को वर्षों तक फिल्म याद रहे। आज आप फिल्म देखते हैं दो दिन बाद भूल जाते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मगर एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी होगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लंबे समय तक आप उसको याद रखें। Thank you. Thank you. Sir, sir,